दशहरा रामनवमी एवं दुर्गा पूजा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली और कोपागंज थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों एवं गांव से संभ्रांत लोग बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में दशहरा, दुर्गा पूजा, रामनवमी एवं रामलीला के समय बिजली, पानी, साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग शांति समिति के सदस्यों द्वारा उठाया गया, जिस पर संबंधित अधिकारियों ने इसे जल्द ही पूर्ण करने का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रशासन ने सदस्यों से अपील की कि आने वाले इन पर्वों को भी भाईचारे एवं आपस में मिलजुल कर शांतिप्रिय ढंग से मनाएं। यदि इन पर्वों में कहीं भी कोई अराजक तत्व दिखाई देता है तो उसके लिए आप तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस सदैव आपकी सेवा के लिए तत्पर है। दशहरा रामनवमी त्योहारों में खलल डालने वाले को पुलिस प्रशासन कतई माफ नहीं करेगी। इनके विरुद्ध उचित कार्रवाई कर इन्हें जेल भेजा जाएगा। आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं, दशहरा, दीपावली जैसे त्यौहार हैं, यह सकुशल हर्षोल्लास के वातावरण में सम्पन्न हो, उस दृष्टि से यह बैठक प्रशासन और समितियों का आपस में तालमेल बढ़िया हो, तो इसी दृष्टि से बैठक हुई। कुल हम लोग जो परंपरागत जिस तरह से प्रत्येक वर्ष त्यौहार मनाए जाते हैं, उसी तरह से इस वर्ष भी त्यौहार मनाया जाएगा। रखते हुए यहाँ पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें कस्बे के गणमान्य लोग उपस्थित थे और विविध जो समस्याएं हैं रामलीला के संबंध में या जो मूर्ति यहाँ बैठाई जाती है उसके संबंध में समस्याओं को सुना गया, इनकी बातों को, समस्याओं को संबंधित विभाग के कर्मचारी जो नगर पंचायत के हैं और बिजली विभाग के हैं वो अधिकारी भी यहाँ बैठे थे और नोट डाउन भी थे और आश्वासन दिया गया है कि 4 दिनों के अंदर ये नवरात्रि स्टार्ट होने से पहले इसको सॉर्ट आउट करा दिया जाए। मेन समस्या बिजली की है और साफ सफाई, तो प्रयास रहेगा कि समस्या जल्द से जल्द निस्तारित हो।